हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन अनदर वीडियो रिलेटेड विथ प्लांट्स। आज हम बात करने वाले हैं कि पौधे सांस कैसे लेते हैं, यानी पौधे में श्वसन क्रिया किस तरह से होती है, पौधे में गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है। तो आइए समझते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि हम मनुष्यों और जानवरों में श्वसन क्रिया जो है वो हमारे नाक और मुँह द्वारा संपन्न होती है, यानी हम अपने नाक से सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, साथ में मुँह से भी हम सांस लेते हैं और छोड़ते हैं। आपको यह भी पता होगा कि हम सांस के रूप में कौन से गैस को अपने अंदर लेते हैं। जी हाँ, बिल्कुल, हम ऑक्सीजन गैस को अपने अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बाहर निकालते हैं। वही अगर हम बात करें पौधों की, तो आपको यह भी पता होगा कि पौधे कौन से गैस अपने अंदर लेते हैं और कौन से गैस बाहर छोड़ते हैं। जी बिल्कुल, हमसे ठीक उल्टा, यानी जब वे भोजन बना रहे होते हैं, जब उनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती रहती है, उस समय जो है वे अपने अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं और ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं, और वही ऑक्सीजन गैस फिर हम उसको लेते हैं। लेकिन वहीं अगर बात करें रात की, यानी रात के समय जब पौधे अपना भोजन नहीं बना रहे होते हैं, यानी उनमें कोई भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हो रही होती है, तो उस समय जो है वे CO2 गैस बाहर निकालते हैं, यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर छोड़ते हैं। इसलिए ऐसा बोला जाता है कि रात के समय कभी भी पेड़ के नीचे नहीं बैठना चाहिए, नहीं सोना चाहिए, वो हमारे लिए हानिकारक हो सकता है। यह तो था कि पौधे कौन कौन सी गैस लेते हैं और कौन से गैस छोड़ते हैं। लेकिन अगर हम बात करें तो आखिर ये गैसें जो आपके कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, उसे पौधे अपने अंदर कैसे प्रवेश कराते हैं, यानी कैसे वे ग्रहण करते हैं। जैसे हम लोग के पास तो हमारा नाक है, हमारा मुंह है, जिसके माध्यम से हम ऑक्सीजन गैस को लेते हैं। लेकिन आखिर पौधों के पास क्या है जिसकी मदद से वे गैस को अपने अंदर लेते हैं? जी हाँ बिल्कुल, तो उनके पास जो है वो है रंध्र। क्या है? रंध्र। और ये रंध्र क्या होता है? तो ये रंध्र जो है वो आपके छोटे छोटे छिद्र आकार के होते हैं, और ये आपके कहाँ पाए जाते हैं? तो आप बोलेगा कि पत्तियों पर। तो ऐसा बिल्कुल नहीं, सिर्फ पत्तियों पर ही आपके रंध्र नहीं पाए जाते, बल्कि पौधे के अलग अलग भागों पे आपको रंध्र देखने को मिलते हैं। पत्ती पे तो आपको दिखेंगे ही, साथ में उसके तने पे आपको दिखने को मिलेंगे, और सबसे इम्पॉर्टेंट जो पौधे का जड़ होता है वहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। जो उसके मूल रोम होते हैं, जड़ के जो रेशे निकले हुए होते हैं, वहाँ पर आपको वातरंध्र, जिसको हम वातरंध्र बोलते हैं, यानी उभरा हुआ छोटा छोटा छिद्र होता है, वो आपको देखने को मिलेगा। तो जैसा कि मैंने अभी एक पौधे को काटा, एक छोटा पौधा है, ये घास का पौधा है, तो यहाँ पर आप इसके जड़ को देख सकते हो। इस जड़ में बहुत सारे मूल रोम है, जो एक रेशे की तरह, रस्सी की तरह आपको देख रहे होंगे, पतले पतले, वो दरअसल मूल रोम है जड़ की। और वही जो है अपने जो निचले भाग है उसमें मिट्टी को जो है वो जकड़े हुए रहता है, इसलिए पौधा कितने भी हवा चले तो वो जल्दी गिरता नहीं है, क्योंकि उसके मूल रोम जो है, जड़ हैं, वे मिट्टी को पकड़े हुए रहते हैं। तो आप देख सकते हो इस जो मूल रोम में है, ये हम तो खुली आंखों से देख नहीं सकते कि इसमें वातरंध्र कहाँ है, लेकिन बहुत छोटे छोटे जो छिद्र होते हैं उन्हीं आपके मूल रोम में पाए जाते हैं। अब चलिए समझते हैं कि पौधे के अलग अलग भागों में पाए जाने वाले रंध्रों द्वारा गैसों का अपने अंदर प्रवेश कैसे किया जाता है। तो एक एक करके सभी भागों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले देखते हैं पत्तियों का। तो अगर आप पत्तियों को गौर से देखोगे तो वहाँ पर आपको बहुत से छोटे छोटे छिद्र दिखाई देंगे, जिसको हम रंध्र बोल रहे हैं। तो उन्हीं रंध्रों द्वारा जो है, जो पौधे के बाहरी वातावरण में जो आपके कार्बन डाइऑक्साइड गैस मौजूद है, तो रंध्र जो है उस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अपने अंदर प्रवेश कराता है पत्तियों के उसी रंध्र द्वारा। उस तरह से अगर तना की बात करें तो अभी जो तना के वातरंध्र है, जो छोटे छोटे उभरे हुए उसमें छिद्र आपको देखने को मिलते हैं, तो उसके द्वारा जो है वो गैस अपने अंदर प्रवेश कराता है। अगर आप कभी गौर करो तो मान लो किसी भी पौधे में ज़्यादा दिन तक पानी हम जमा छोड़ देते हैं, उसमें लंबे समय तक पानी रहता है, तो आप देखते हो कि वो पौधा जो है अभी सूखने लगता है। आखिर क्यों सूखने लगता है? तो जो पौधे के जड़ होते हैं, जिसमें आपके मूल रूम में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिससे क्या होता है, पौधा ऑक्सीजन गैस को अपने अंदर प्रवेश कराता है और पौधा विकसित होता है। तो अगर पानी उसमें ज़्यादा दिन तक जमा रहेगा, वहीं पर रहेगा, तो जो छोटे छोटे छेद हैं जड़ के, वे क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। और जब छेद बंद हो जाएंगे तो उसमें गैस अंदर आएगा ही नहीं, और जब गैस अंदर आएगा नहीं तो पौधा जो है वे सूखने लगेगा, वो विकसित होगा ही नहीं। तो इस वजह से है जो पौधा आपका सूखने लगता है। यहाँ एक बात और कि आपको कंफ्यूज नहीं होना कि आखिर पौधे जो है वे कौन से गैस अपने अंदर लेते हैं और कौन से गैस छोड़ते हैं। अगर हम बात करें प्रकाश संश्लेषण क्रिया की, आखिर यह प्रकाश संश्लेषण क्रिया है क्या? तो जब पौधे जो है, जो हरे पौधे हैं, वे प्रकाश
की उपस्थिति में जो सूर्य का प्रकाश है उससे ऊर्जा प्राप्त कर क्लोरोफिल की उपस्थिति में, क्लोरोफिल जो आपके पौधे के पत्तियों में पाया जाता है जिससे पौधा हरा रहता है, तो क्लोरोफिल की उपस्थिति में जल और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों को मिलाकर क्या बनाता है, आपका ग्लूकोज और ऑक्सीजन गैस, तो इसे हम बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। तो अगर इस क्रिया में जो है वो पौधा ऑक्सीजन गैस को बाहर छोड़ता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अपने अंदर लेता है, क्योंकि वहाँ पर जो है उसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस की ज़रूरत पड़ती है खाने को बनाने में, और जब वो खाना कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल के साथ मिलकर बनाता है तो फिर वो ऑक्सीजन गैस बाहर छोड़ता है और वही ऑक्सीजन गैस हम लेते हैं। वही अगर हम बात करें रात के समय की, तो उस समय जो है पौधा प्रकाश संश्लेषण क्रिया उसमें नहीं होता, क्योंकि उस समय सूर्य का प्रकाश उस पर पड़ता ही नहीं है। तो उस समय क्या होता है कि जो पौधे हैं वे आपके ऑक्सीजन गैस को अपने अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बाहर छोड़ते हैं। तो और ध्यान रखना है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में यानी दिन के समय पौधे हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लेंगे अपने भोजन को बनाने के लिए और ऑक्सीजन गैस छोड़ेंगे भोजन के बनने के बाद। और वहीं अगर रात की बात की जाए तो रात के समय जो है वे पौधे ऑक्सीजन गैस अपने अंदर लेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर छोड़ेंगे, और उस समय वो ऑक्सीजन गैस पौधे के विकास में मदद करता है, उसे बढ़ने में मदद करता है। तो इस तरह हमने देखा पौधे की श्वसन क्रिया, यानी पौधे किस तरह से अपने अंदर गैस को ग्रहण करते हैं और बाहर छोड़ते हैं, कौन से गैस ग्रहण करते हैं और कौन सी गैस बाहर छोड़ते हैं। तो आई होप आप समझ पाए होंगे पौधे की श्वसन क्रिया को। इसी तरह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ जो आपके पौधे से ही संबंधित होगी। अगले में हम बात करेंगे पौधे के परिवहन के बारे में, यानी जो पौधे में जल होते हैं वे कैसे पौधे के सभी भागों में पहुँचते हैं।